हे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हारिन सियोजुन को प्रेजेंट में देखकर उसे हग करती है और कहती है, क्या तुम सच में सियोजुन हो? तो वह उसे टाइट से हग करते हुए कहता है, मैं नहीं तो और कौन होगा? हारिन कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वह कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि बरसों बाद मिल रहे हैं। और वह सोचती है, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं 28 साल के सियोजुन को देख रही हूँ। और उसके आंखों में खुशी का आंसू होता है। नेक्स्ट दिन दोनों डिनर करते हैं, जहाँ हारिन सियोजुन को बस देखे जा रही थी। सियोजुन कहता है, खाना नहीं है। तो वो कहती है, तुमको देख के मेरा पेट भर रहा है। फिर सोचती है, इसका मतलब क्या मैं अभी सियोजुन के साथ रिलेशनशिप में हूँ? और वो काफी खुश होती है। डिनर करने के बाद सियोजुन उसके बेड पर जाता है, जहाँ वो सॉक्ट होते हुए पूछती है, क्या हम लोग साथ में सोने वाले हैं? तो वो कहता है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं घर चला जाता हूँ। वह कहती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तब सियोजुन उसे बेड में पिन करता है और किस करने वाला होता है, लेकिन टीज करने के लिए नहीं करता है। फिर उसके फोटो एल्बम को निकालता है और एक फोटो दिखाते हुए कहता है, जब मैं गर्ल्स के साथ ये फोटो खिंचा रहा था, तब तुम जेलस से मेरे क्लास जाकर सबको बताने लगे कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। फिर वह सियोजुन से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वह कहता है, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर अगले सुबह सियोजुन को सामने नहीं देखकर वह परेशान हो जाती है। और तभी सियोजुन बाहर से ब्रेकफास्ट लेके आता है, उसे देख वह रिलैक्स फील करती है। फिर सियोजुन बताता है कि आज उसका हाफ डे वर्क है। तब हारिन कहती है, तो क्या मैं भी हाफ डे अपने काम से छुट्टी ले लूं? और फिर दोनों डेट पर जाते हैं, जहां हारिन सोचती है कि तुम्हारे साथ इस तरह टाइम स्पेंड करना किसी स्पेशल गिफ्ट से कम नहीं लग रहा। इसके बाद वे अपने अपने काम में जाने से पहले सियोजुन उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मेरे कार पर कल तुमने भूल रखा था। और यहाँ हारिन उसे बार बार कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद हम देखते हैं वो काफी खुश थे। उसके कलीग्स पूछते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कब करने वाली हो? तो वो कहती है, अभी नहीं, बाद में। इसी बीच सियोजुन उसे कॉल करता है और कहता है, तुम्हें मिस कर रहा था तो कॉल कर लिया। और यहाँ हारिन को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में काम करता है। फिर वो बताता है कि मीटिंग के दौरान एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर हारिन घबरा जाती है, पर वो कहता है, टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। अगले दिन हारिन उससे मिलने हॉस्पिटल तक आती है और आकर ही उसका चोट दिखाने कहती है। सियोजुन कहता है, पागल लड़की, बस यही देखने वहाँ से यहाँ आई हो? वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे क्या होगा। और तभी वहाँ योंगकिम भी आता है। यहाँ योंगकिम भी काम करता है, ये जानकर वह काफी शॉक्ड रहती है। वो योंगकिम से सुजिन के बारे पूछती है। फिर बातों बातों में उसे पता चलता है कि हाइमिन मर चुकी है। वो काफी शॉक्ड होती है। तब सियोजुन कहता है कि शायद उसके डेथ का रीजन मैं ही था। उस दिन अगर मम्मी मेरे साथ डिनर न करके उसके साथ डिनर करती तो ना तो वो रास्ते किनारे मम्मी का वेट करती और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। हारिन सोचती है, क्योंकि मैंने पास्ट को चेंज किया इसलिए सुजिन मुझसे दूर हो गई और हाइमिन का डेथ हो गया। वो बचा बाकी फोटो को देखती है, जिसमें उसी दिन का एक और फोटो मिलता है जो इससे पहले वाले फोटो को वो जलाई थी। यानी उसे वापस से उसी दिन पर जाकर सबको सुधारने का एक और चांस मिलता है। और वो उस फोटो को जलाने के साथ उसी दिन पर फिर से पहुंचती है और यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है। दोबारा से यहाँ टीचर उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं देता है। इसके बाद सुजिन उससे कहती है, आज शाम तुम्हें मेरा एक हेल्प करना है। फिर वे फोटो कॉन्टेस्ट के बारे डिस्कस करते हैं, जहाँ लंच के बाद सियोजुन कंफ्यूज रहता है कि उसकी मम्मी को मैसेज करे या ना करे। और यहाँ हारिन मैसेज सेंड कर देती है और वो टिप्स वाला पेपर देते हुए कहती है, मैंने जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो करना, फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसके बाद वो सुजिन के साथ शॉपिंग करती है। एक्चुअली सुजिन को अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदना था और वो हारिन का हेल्प चाहती थी। यहाँ हारिन गिफ्ट खरीदने में उसका हेल्प करती है और उसे बताती है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस फ्रेंडशिप को कभी टूटने नहीं देना चाहती। अगले सीन हम उसे हाइमिन के पास जाते हुए देखते हैं। जब वो उसके पास पहुंचती है तो उसे फील होने लगता है कि टाइम खत्म हो रहा है, पर फिर भी यहाँ वो हाइमिन को एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। और नेक्स्ट सीन वो प्रेजेंट में होती है, जहाँ वो मोबाइल पर हाइमिन का कॉन्टेक्ट नंबर देखकर खुश होती है। इसका मतलब वो जिंदा है। पर यहाँ वो सियोजुन का नंबर नहीं पाती है, ना ही एल्बम में सियोजुन का फोटो होता है। यानी एक बार फिर से वो सियोजुन को खो देती है। इसके बाद वो यूनसंग के थ्रू सियोजुन के डेथ इन्वेस्टिगेशन का कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जमा करती है, जहाँ योनसंग बताता है कि सियोजुन के डेथ के बाद उसके पेरेंट्स काफी शॉक में थे और इसलिए उन्होंने ऑटोप्सी का भी परमिशन नहीं दिया। इस वजह से इस केस को सुसाइड माना गया। यहाँ जब हारिन SMS रिकॉर्ड देखती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो ये तो जानती थी कि लास्ट मैसेज के साथ उसी ने चैट किया था, पर यहाँ 2 SMS रिकॉर्ड एक्स्ट्रा था। अब वो मैसेज क्या था ये जानने के लिए वो सियोजुन की मम्मी से उसका मोबाइल लेती है, जहाँ सियोजुन की मम्मी उसे मोबाइल के साथ साथ सियोजुन का कुछ और भी सामान देती है और कहती है, उस दिन वो तुम्हारे बारे बातें करके बहुत खुश था। नेक्स्ट दिन वो आकर उसका मोबाइल चेक करती है, जहाँ लास्ट मैसेज उसी का था। उसमें उसने लिखा था कि मैं थोड़ा बिजी रहूंगी, आने में लेट होगा, तब तक तुम वो ड्रिंक एंजॉय करो जो मैंने तुम्हें दिया था। वो सोचती है, मैंने उसे कब ड्रिंक दिया था? वो याद करती है कि उस दिन मेरा बर्थडे था, मैं अपना लव कन्फेशन करने उसके पास जा रही थी।
रास्ते में मैं एक लड़की से टकराई। उसने कहा कि टीचर मुझे बुला रहे हैं, पर टीचर ने मुझे नहीं बुलाया था। फिर इधर वो की पॉइंट्स को नोट करती है कि राइट हैंड का नस कटा हुआ था। पेरेंट्स ऑटोप्सी के लिए एग्री नहीं हुए। लास्ट मैसेज उसका था जो उसे याद नहीं है कि उसने उसे ड्रिंक दिया था या नहीं। कोई भी हेजिटेशन स्केयर नहीं था, इसका मतलब विदाउट हेजिटेशन नस काटा गया था। और अब वो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन में थी। वो कम्प्लीटली इस बारे पता लगाने के लिए एक और फोटो जलाती है, जिसके साथ ही वो फिर से पास्ट में चली जाती है। जाकर वो अपने आप को ड्राइंग क्लास में पाती है, जिसके बाद वो सुजीन को लेकर सियोजुन के क्लास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अभी बास्केटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट सीन वो उसे बास्केटबॉल खेलता देखती है, और यहाँ वो नोटिस करती है कि उसके साथ उसका वो क्लासमेट भी खेल रहा है जो सियोजुन को पसंद नहीं करता है। और तभी वो जानबूझकर सियोजुन को धक्का देता है। इस वजह से सियोजुन गिर जाता है और उसका लेफ्ट हैंड के कलाई में क्रैक आ जाता है, जिसके बाद यून संग और योंग किम उस लड़के को सियोजुन से सॉरी बोलने बोलते हैं, पर वो गुस्सा से क्लासरूम चला जाता है और क्लास में किसी को नहीं पाकर सियोजुन का बैग चेक करता है, जहां से वो उसके पर्स से पैसे चुराता है। और उस कैमरा को चेक करते टाइम उससे गलती से एक फोटो क्लिक होता है, और ये वही फोटो होता है जिसको जलाकर अभी वो पास्ट में आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ हारिन सियोजुन से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम अपना ख्याल रखो, तो फिर तुम अपने आप को हर्ट क्यों कर रहे हो। सियोजुन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों रही हो। फिर उसे मेडिकल रूम ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके हाथों में बैंडेज लगा देता है और कहता है एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता तक इसे खोलना नहीं है। यहाँ हारिन सोचती है, वेट, इसका नस कटा हुआ था राइट हैंड का, कोई हेजिटेशन स्केयर नहीं था। मेरे बर्थडे के मॉर्निंग में साइकिल इसने नहीं मैंने चलाया था, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में चोट था। इसका मतलब नस काटने के लिए ये अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकता था, दैट मीन्स इसने अपने आप को नहीं मारा है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।